प्रधान की दबंगई चरम सीमा पर। 5 साल पूरा होने का है, गांव में नहीं हुआ कोई भी कार्य। मामला उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच विकास खंड सीपुर ग्राम पंचायत कटवा मजरा मुरैनीपुरवा का है, जहां पर आपको बताते चले ग्रामीणों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 5 साल पूरा होने का है, नहीं हुआ गांव में कोई कार्य और कोई सुधार। ना तो नाली बनी, ना तो खड़ंजा, ना तो सिर्फ साफ सफाई। हैंडपंप से आता है गंदा पानी, आखिर क्यों नहीं सुनी जाती है गरीबों को? आखिर कब तक करेंगे प्रधान अपनी मनमानी? उच्च अधिकारियों भी नहीं करते हैं मौके की जांच। ग्रामीणों को कब तक कीचड़ और फूस के झोपड़े में रहना पड़ेगा? भैया आपको मोबाइल पे दिखाया जाएगा, मोबाइल पे। अहमद हुसैन के साथ राजीव सिंह की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? उत्तम कुमार मिश्रा जी। कौन सा ग्राम पंचायत है? मुरैनीपुरवा है। कोटवा? कोटवा। विकास खंड? सिपुर। जिला? बहराइच। क्या समस्या है आपको? समस्या कि मैंने 13 साल से रह रहे हैं, हमको आवास अभी तक नहीं मिला है। आवास नहीं मिला जी। प्रधान द्वारा इसके बारे में आपने कहा? कई बार कह चुके हैं। तो प्रधान क्या कहें? प्रधान कह रहे हैं कि मिल जाएगा, मिल जाएगा। उत्तम कुमार मिश्रा, क्या समस्या है आपको? समस्या बस रोड ही की है। रोड बन नहीं रही है, चाला एक पौली से 1 फुट ज्यादा ज्यादा चाला रहता है, बरहमास और नाली। यानी ये बताइए कौन सा ग्राम पंचायत है ये? मुरैनीपुरवा है और कोटवा लगता है। कोटवा लगता है। विकास खंड कौन है? जिला? अच्छा ये बताइए, प्रधान द्वारा जो 5 साल के बीच में जो है जो कार्य करवाया गया है, यानी उसका लाभ आपको मिला है? 1% नहीं, वो यहाँ देखने भी नहीं आते हैं। 5 सालों के एक बार नहीं आया है 5 साल में यहाँ। हमको ग्रामीणों द्वारा जानकारी मिली है ये कि विधायक जी भी कहें और विधायक जी कहने के बावजूद भी जो है प्रधान द्वारा काम नहीं करवाया गया। विधायक जी से स्वयं बुला करके कोटवा ग्राम सभा में पंचायत हुई थी, उसी में विधायक ने बुलवाया जी, उसने बाद फिर वो नहीं माना जी। प्रधान जी, जी। यानी विधायक जी के कहने के बावजूद भी नहीं हुआ, काम नहीं करवाए? सामने बुलवाया हम सबके। कितने दिन लगभग मीटिंग रखी गई थी? मीटिंग हुई थी 18 में। 18 में, 2018 में। तब से कोई कार नहीं हुई? कार नहीं हुई। नहीं, 5 साल पूरा इन्होंने। क्या समस्या है बाबा आपकी? यहाँ नल की समस्या है। यहाँ पर प्रधान जी बोले थे, मतलब फोटो भी लेकर गए थे गड्ढा बनवाने के लिए। ये बगल में जो चौतरा है ब्रह्मचारी महाराज जी का जी। ये चौतरा बनवाने के लिए पानी भरा रहता है, सब कीचड़ रहता है, इसमें मच्छर की भी ज्यादा रहती है, इसमें फिलहाल के लिए ज्यादा दिक्कत समस्या रहती है। ये पानी नल से जो है गंदा पानी कब से आ रहा है? ये 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष से गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी आ रहा है और अभी तक सुधार नहीं हुआ? अभी तक सुधार नहीं हुआ। एक बार हम मतलब बुलवाए थे मिस्त्री और इसमें जाली फटी थी, तो वो मतलब सुझा कर गए थे, फिर गंदा पानी आने लगा है। कौन सा ग्राम पंचायत है ये? ग्राम पंचायत कोटवा है। कोटवा, क्या समस्या है आपको? यहाँ पे चाला पानी, नाली की व्यवस्था नहीं है और चाला पानी भरा रहता है, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो ये सब खड़ंजा पे चाला बन जाता है। यानी कितने लोगों को निकलने में दिक्कत हो जाती जी? कितने दिन से ये समस्या है? लगभग समस्या 8-9 साल हो गई जी। अच्छा ये बताइए प्रधान जी आपके कौन है? प्रधान जी तो राम मिलन जी है। कौन सा विकास खंड लगता है ये? विकास खंड सिपुर। जिला कौन सा लगता है? अच्छा ये बताइए, ये 5 सालों के बीच में प्रधान द्वारा कोई कार्य यहाँ पे करवाया गया है या नहीं? प्रधान जी के द्वारा 2-3 आवास मिले हैं और बाकी कोई कार्य नहीं हुआ। कुछ नहीं मिले नहीं। यानी यहाँ हमारे यहाँ ये जो कुटिया है, गांव की जो एक ग्राम सभा की जो कुटिया है जी, यहाँ पर भी उन्होंने मतलब फोटो लेकर गए कि मतलब हम यहाँ मतलब कुछ सुधार करवाएंगे, चौतरा बनवा देंगे, नल में मतलब सब गंदगी भरी रहती है, सोखता बनवा देंगे जी। और यहाँ पे लोगों को मतलब बैठने के लिए, ये गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पे पीपल का पेड़ लगा है, वहाँ पे लोग बैठते हैं, थोड़ा ठंडी ठंडी हवा मिल जाती है। वहाँ पे बोले थे बनवाने के लिए चौतरा, वो भी नहीं बनवाए। अच्छा ये बताइए महोदय जी, हम जानना ये चाहते हैं, अभी हमको कुछ परिजनों से ग्रामीणों से जानकारी मिली है कि विधायक जी हमारे महोदय माननीय महोदय विधायक जी, वो प्रधान को बुलवा करके प्रधान
से कहा कि इसको करवा दीजिएगा, तो प्रधान जी विधायक जी के कहने के बावजूद में हमें कार्य नहीं करवाया गया। अब वो तो फिलहाल के लिए प्रधान नहीं, 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 क्या क्या सच्चाई है इसमें? सच्चाई जैसे प्रधान जी से अब या उनसे कोई कांटेक्ट होगा? नहीं नहीं नहीं, हमको जैसे ग्रामीणों के द्वारा जानकारी मिली यही है कि विधायक जी हमारे माननीय महोदय विधायक जी प्रधान को बुलवा करके प्रधान जी से बोले कि इसको कार करवा दीजिएगा, फिर भी विधायक जी की बात भी प्रधान जो है नहीं रखे। हाँ, विधायक जी कहकर गए थे कि मतलब हम करवा देंगे जी, विधायक जी भी नहीं करवाए ना प्रधान जी भी। अरे अब जब प्रधान जी फोटो लेकर गए और फिर भी नहीं किए तो आगे क्या कहा जाए? कुमार शुक्ला। चाहिए बताइए, ये कौन सा ग्राम पंचायत है? ये कुटवा ग्राम सभा। प्रधान आपके कौन है? राममिलन। विकास खंड कौन सा लगता है? सीपुर। जिला कौन लगता है? जिला बहराइच। क्या समस्या है आपको? समस्या यही चहला वाली है। अच्छा, ये बताइए, ये 5 सालों के बीच में प्रधान के द्वारा कोई यहाँ पे कार्य करवाया गया है? कोई कार्य नहीं, सिर्फ 3 आवास बने जी, और उसके बाद कोई कार्य नहीं, कोई काम नहीं। 5 सालों के बीच में, यानी 5 सालों के बीच में प्रधान द्वारा कोई कार्य यहाँ पर करवाया गया? कोई कार्य नहीं हुआ। कोई नहीं करवाया? कोई कार्य नहीं हुआ। नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार, कौन सा ग्राम पंचायत है ये? ये है ग्राम पंचायत कोटवा। कोटवा। विकास खंड? सिंहपुर। जिला? बहराइच। क्या समस्या है आपको? समस्या हमारे यहाँ ये नाली वाली बहुत विकराल समस्या है, आए दिन इस पे पानी भरा रहता है जी। और खड़ंजा ये ऊंचा कराने वाला था तो वो भी नहीं हो पाया है जी। और जल भराव जल पानी बरसता है तो आने जाने में महान संकट हो जाता है हम लोगों को। इस बारे में आपने प्रधान जी से कुछ बात किया? हाँ, प्रधान जी से कहा गया है। तो क्या कह रहे प्रधान जी? मंत्री नहीं ध्यान दे रहे हमारे यहाँ मंत्री जी हमारे जी, उनको भी। क्या नाम है आपका चाचा? रामाधार अवस्थी। रामाधार अवस्थी, कौन सी अवस्थी, कौन सा ग्राम पंचायत है ये? शंकर तो बतिया। कोटवा। कोटवा ग्राम पंचायत तो कोटवा है। कोटवा है, मौजा कोटवा है। अच्छा, ये मझरा का क्या नाम है? मुरौनपुरवा। मुरौनपुरवा, क्या समस्या है आपको चाचा? आपका समस्या है खड़ंजा और नाली की। इस 5 सालों के बीच में प्रधान द्वारा कोई कार्य करवाया गया है नाली या खड़ंजा या कोई? कोई काम नहीं, नहीं करवाया गया है, घर है। इसके विषय में प्रधान से आपने कहा? प्रधान से कहा, विधायक दिलीप से कहा। अच्छा, तो प्रधान यहाँ बलवाई ने जी, अब दिलीप उनके सामने कही जी, बलवाई तो कही हम कहा कि नाली न हो जो जी, तो टंकी ला के सब घड़ी भरा रहा था जी, तो नाली बनवा दो जी, तो कहें कि प्रधान बनवाई तो कहें मुरौनपुर क्यों नहीं बनी नाली जी, तो कहें कि बनवा दिया। यानी हमारे महोदय जी विधायक जी कहें और कहने के बावजूद भी प्रधान द्वारा कार नहीं करवाई। क्या नाम है आपका? बांकेलाल मोर। बांकेलाल मोर, क्या समस्या है आपको? गांव में नाली की समस्या और खंडा की वजह से जल भराव रहता है गांव में जी। और इसलिए हर मौसम में थोड़ी भी बारिश होती तब भी पानी भरा रहता है, लोगों को पूरा बरसात लोगों को पानी का झेलना पड़ता है, ठंडी में भी बारिश हल्की हो जाए तब भी 15 दिन चाला नहीं खत्म होता है। अच्छा, ये बताइए ये समस्या कितने दिन से है यहाँ? ये समस्या लगभग 7-8 साल से चल रही है। ये प्रधान जी कौन है आपके? प्रधान है फूल कोरा। क्या नाम है? फूल कोरा, महिला है, उनके पति का नाम है राममिलन। राममिलन, ये बताइए प्रधान जी जो 5 साल के बीच में कोई कार्य करवाए यहाँ नाली और खड़ंजा को लेकर के, कोई ऐसा जो है विकास इस गांव में करवाए हैं? कोई काम नाली खड़ंजा संबंधित नहीं करवाया। नहीं करवाया है? नहीं करवाया। इसके विषय में प्रधान जी से आपने कहा? हम लोगों ने कई बार कहा, अलावा हम लोग तो 2-4 महीना पर हमेशा कहते हैं। प्रधान जी क्या बोलते हैं? बस कहते करवा देंगे करवा देंगे, यही कहते कहते 5 साल पूरा हो गया और हमारे गाँव को देखने तक भी नहीं आते हैं।